हाय गाइस, माय नेम इज़ तुषार एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर नेचर विद तुषार। गाइस, तो मैंने जो पिछला वीडियो किया था हाउ टू गिव अ पेडिग्री स्टार्टर, तो उसे बहुत सारे व्यूज़ आए, मतलब 6.8 के व्यूज़ आए, तो उसके लिए थैंक यू। और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत हो चुके हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं 159, सो उसके लिए थैंक यू। और मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने जो पिछला वीडियो बना था वो हाउ टू गिव द पेडिग्री स्टार्टर था, और मैं अब जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है हाउ टू गिव द स्मार्ट हर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पपी वो बड़ा हो चुका है, पहले वो था 2 मंथ्स का, अभी वो हो चुका है 4 मंथ्स का, मतलब उसको अब हम खाना अलग दे सकते हैं। मतलब हमारा जो पेडिग्री स्टार्टर था वो हम 4 मंथ्स तक दे सकते हैं। सो हमारे डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया था स्मार्ट हर्ट, सो हम यही देते हैं। सो मैं अब उसे मतलब ये मैंने 8 केजीज का लाया है, पहले उसको 3 केजी का सिर्फ एक महीना जाता था, बट अभी वो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, उसके लिए मैंने डायरेक्टली 8 केजीज का लाया है। सो गाइज, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं ये स्मार्ट हर्ट कैसे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसकी प्राइस और मतलब ये कैसा रहता है। सो गाइज, इसकी प्राइस है 1460 रुपीज़, और हमें जो पपी को जो फीड करना चाहिए, मतलब कितने कितने ग्राम फीड करना चाहिए, तो वो भी इसका चार्ट उस इसमें दिया है। सो पहले ये देखिए, टॉय की है ब्रीड ये, और फिर स्मॉल और फिर मीडियम, हमारा मीडियम है, तो ये उसको मतलब 1 मंथ से 2 मंथ तक 200 ग्राम देना चाहिए, और 395 ग्राम्स के अंदर देना चाहिए। सो हमारा पपी अब 5 मंथ्स का स्टार्ट हो चुका है, तो हम उसे अभी 250 ग्राम से 490 के बीच में देते हैं। सो ये स्मार्ट हर्ट, ये इसमें फ्लेवर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चिकन का फ्लेवर है और एग का फ्लेवर है एंड मिल्क फ्लेवर है। सो ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे देते हैं। सो गाइज, हम पहले उसे 2 स्पून ही देते थे, बट अभी उसकी भूख बढ़ चुकी है, तो मैं 12 स्पून से 14 स्पून तक देता हूँ। गाइज, मैंने ये डायरेक्टली मतलब 12 नहीं कर दिए स्पून, मतलब मैंने धीरे धीरे किए। सो पहले 2 स्पून थे, बाद में 3 मंथ्स का होने के बाद 3 स्पून दिए, और फिर उसके बहुत ही भूख बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने 8 स्पून कर दिए थे, और बहुत ही अभी तो बहुत ही भूख बढ़ चुकी है, तो मैंने इसलिए आप उसको मतलब 12 स्पून से 14 स्पून तक देना शुरू कर दिया है। सो मैंने अभी इसमें 12 स्पून निकाल लिए हैं। सो कुछ डिफरेंस नहीं है, बट हम जैसे पेडिग्री देते हैं वैसे ही देना है, सिर्फ अभी इसे हम जैसे मतलब बॉईल करके पानी रखते थे वैसे अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले उसको मतलब टीथ नहीं आए थे पूरे, बट अभी उसे मतलब वो बड़ा हो चुका है तो उसे टीथ आ चुके हैं। सो मैं अब डायरेक्टली उसे पानी नहीं डालता हूँ, वैसे ही देता हूँ। सो हमने इसमें से 12 स्पून निकाल लिए हैं, मेरा वही स्पून है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हिसाब से 5 या 10 ग्राम का होगा। सो मैंने इसमें से 12 स्पून निकाल लिए हैं, और मैं इसको मेरे पपी को सुबह 8 बजे देता हूँ, मतलब सुबह 7 से 8 बजे तक देता हूँ, और फिर बाद में 12 से 1 बजे उसको दोपहर को देता हूँ, और बाद में उसको और भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं 5 से 6 बजे तक उसे देता हूँ, और रात को मैं उसे मतलब 8 से 9 बजे तक देता हूँ। गाइज, तो मैं मेरा पपी अभी सोया हुआ है, सो मैं अभी उसको नहीं दूंगा, और फिर उठ जाने के पर उसे दूंगा। सो यही थी हमारी आज की वीडियो, और यह वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मुझे एक कमेंट आई थी कि चेस मतलब क्रॉस है, सो मैं उन्हें अभी मतलब नेक्स्ट जो वीडियो करूँगा उसमें आपको दिखा दूँगा कि वो अब कैसा हो चुका है। वो मुझे बोले कि उसकी टेल ऊपर है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।